हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा ना, क्वेश्चन नंबर 10, इसी डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम अच्छे समझो। छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन जरूरी क्वेश्चन है समझने के लिए। देखो, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के। देखो, यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये ABC है और ये FED है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरे को एकदम अच्छे से फिट करके रखोगे तो एक दूसरे को पूरी तरीके से वो कवर कर लेंगे। लेकिन अब क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये आपको बताना है। तो आप देखोगे कि सर, यहाँ पर तो दो एंगल हमारे, देखो यहाँ पर ये बी 90 डिग्री का है, ई भी 90 डिग्री का है, तो एक एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये देखो साइड जो है, यहाँ पर डबल टिक लगा हुआ है इस वाले साइड में DE में, और यहाँ पर ये जो हमारा BC है इसमें भी डबल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल है, तो एक साइड हमको इक्वल मिल गया। उसी तरीके से एंगल ए में डबल यहाँ पर एंगल का साइन बना हुआ है और एफ में भी डबल का बना हुआ है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल साइड और एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है। फिर इसमें एक्सप्लेन वाई क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर जरूरी समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर ऐसे इसलिए कहा गया है कि देखो, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझाया था डिटेल में, अगर आपने 9 का वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, वहाँ से आप देख लेना। उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि जब हम लोग ए ऐसे क्राइटेरियन यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए, तब जब भी हम दो एंगल लेते हैं, ए ऐसे का मतलब क्या होता है कि दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल होता है, तो जो साइड हमारा होता है ना वो उन दो एंगल के बीच में ही होना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे साइड हम लोग ले लें, जैसे देखो यहाँ पर हमारा एंगल एफ है और यहाँ एंगल ई है, अब ये जो साइड हमारा है, जो इक्वल वाला साइड है, वो इन दोनों के बीच वाला साइड है क्या? बीच वाला साइड का मतलब है कि इनके में जो इंक्लूड हो साइड, तो इंक्लूड वाला साइड कौन सा है, ये वाला जो ई एफ जो साइड है ना, ये इनका इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। तो ई एफ तो इक्वल हुआ नहीं, ये तो दूसरे साइड वाला हमको चल गया, ये तो ई डी में पहुंच गया। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो दो एंगल तो हमारा ए बी जो है ना यहाँ पर तो है, लेकिन जो साइड इक्वल है वो ये वाला है, बी सी जो है ना ये साइड इक्वल है, ना कि ये वाला। इसलिए हमारा ये जो ए से क्राइटेरिया है ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग कैसे यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पर इसका मेजरमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन मान लो कि ये हमारा 50 होगा, ये भी हमारा मान लेते हैं 50 होगा, ठीक है, क्योंकि हम आपस में इक्वल है, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 50 डिग्री। 90 कैसे है, जब कभी भी डब्बा बना रहे तो समझ जाओ कि वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 और 50 कितना होता है हमारा, 140 होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दो एंगल 140 है तो तीसरा कितना होगा, 40 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा तीसरा 40 डिग्री का, बिकॉज हम जानते हैं कि जब तीनों एंगल का सम किया जाता है किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का जब हम लोग सम करते हैं तो सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का वो क्या है कि सम जो हमारा है ना वो 180 डिग्री ही आएगा। उसी तरीके से इधर भी अगर हमारा 90 है और ये 50 डिग्री है, बिकॉज इधर 50 है तो ये भी 50 ही होगा, तो 90 50 है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तभी ना हमारा फिर 90 50 140 और ये वाला 40 ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गया, 180 डिग्री के बन गए। तो यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल भी हमारा 40 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो गया, तो दोनों 40 डिग्री हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एंगल नंबर बी और एंगल नंबर सी को ले सकते हैं। एंगल बी और सी दो एंगल हो जाएंगे, है ना, जो आपस में इक्वल होंगे। जैसे एंगल बी और ई इक्वल हो गए, सी और डी इक्वल हो गए, तो उनके बीच में जो इंक्लूडेड हमारा साइड है, ये वाला BC और यहाँ से ये वाला हमारा DE, ये भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो दो हमारे एंगल्स इक्वल हो गए आपस में और एक साइड इक्वल हो गया, तब अब हमारा यहाँ पर ESA क्राइटेरियन काम करेगा, बिकॉज जो अब हमारा साइड आ रहा है ना वो दोनों एंगल के बीच में आ रहा है। तो इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको उसको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल भी बना लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास सबसे पहले तो आप लिखना कि हमारा एंगल बी और जो है ई, ये आपस में इक्वल है, तो आप इसको डायरेक्ट भी एंगल बी और ई भी लिख सकते हो, और पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो। ABC हो गया इस वाले ट्रायंगल का नाम, इसका DEF हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस भी एंगल का नाम देना रहता है उसको हम बीच में लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो आप, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, ठीक है। ये हमको पता कैसे चला, क्योंकि हमारे पास डायग्राम में ही दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गिवन बोलते हैं। जब कभी भी दिया हुआ रहे सामने सामने तो उसको गिवन कहा जाता है मैथ के टर्म पे, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो साइड है ना, इसको बता देंगे कि हमारा जो DE साइड है और जो BC साइड है ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख दो BC इक्वल टू DE, और ये भी क्या हमारे पास इसी में दिया हुआ है, तो ये हमारा गिवन हो जाएगा। अब हमने क्या बताया आपको कि हमको ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल हम नहीं ले सकते हैं, हम लोग को ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, तभी फिर ये जो साइड हमारा बीच में आएगा। तो हम लोग बता देंगे कि ये जो हमारा डी है और ये जो सी है, ये हमारा क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख देना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, इन अ ट्रायंगल
इज 180 डिग्री, जो सम होता है हमारा वो 180 डिग्री होता है, इसलिए हमारा जो सी और डी होगा वो भी इक्वल होगा। इसको आपको अब इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको 50 डिग्री एग्जांपल्स वगैरह लेकर के उतना एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको बता देना कि जो सम होता है 180 होता है, इसलिए हमारा जो सी और जो डी होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस सी का नाम आप क्या सकते हो, बी सी ए दे सकते हो, इस वाले एंगल का नाम। तो यहाँ पर लिखोगे आप एंगल बी सी जो ए है वो इक्वल है इस वाले एंगल के, डी वाले के, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ई डी एफ। यहाँ पर आप दे दो इसको ई डी एफ, नीचे से आप एफ डी ई भी दे सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना जिस भी एंगल का नाम दो ना वो लेटर बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, यहाँ पर हमने बता दिया कि किस तरीके से इक्वल हुआ है। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, सो हमारा जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, तो एंगल साइड और एंगल क्राइटेरियन, ये देखो हमारा एंगल है, ये साइड और ये एंगल क्राइटेरिया है, इसलिए यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे कि इसलिए सो का मतलब होता है इसलिए ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एफईडी के, जो हमारे बुक में दिया हुआ है ना इक्वेशन, जो भी नियम दिया हुआ है वो लिख दो आप, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो किस क्राइटेरियन से होंगे वो भी बता दो, तो बाई ए एस ए यानी कि एंगल्स साइड एंगल क्राइटेरियन, क्राइटेरियन बस इतना ही लिखना है और आपका काम हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। आई होप मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया हो और आपको अच्छे समझ में भी आ गया हो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है उसे भी हम इसी तरीके से डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।